नमस्कार किसान साथियों, मैं मणिराम सिहा आज आपको बताऊंगा कि हम अनार के अंदर फूलों को झड़ने से कैसे रोकें। आपने देखा होगा कि आपके अनार का जो प्लांट है उसके अधिकतर या कुछ परसेंट फूल झड़ जाते हैं, तो ये फूल क्यों झड़ते हैं और इन फूलों को हम झड़ने से कैसे रोकें, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अनार के अंदर तीन प्रकार के फूल होते हैं, नर, मादा और उभयलिंगी। इनमें से नर पुष्प का झड़ना कुछ समय के बाद स्वाभाविक है, क्योंकि फल मादा और उभयलिंगी फूलों पर ही लगते हैं। अतः यदि आपके पौधे के अंदर नर पुष्प झड़ते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो अब कैसे पहचाने कि ये नर पुष्प है या मादा पुष्प? तो आप देख पा रहे होंगे कि नर पुष्प है उसका जो नीचे का सिरा है वो पतला और ऊपर का सिरा चौड़ा या नर पुष्प है वो तिकोनाकार होता है। उभयलिंगी पुष्प है, यह पुष्प बीच में से संकरा और ऊपर व नीचे दोनों ओर से चौड़ा होता है। मादा पुष्प, इसका निचला हिस्सा नर पुष्प की तुलना में चौड़ा होता है या गंठिला होता है। तो आप इस तरह से फूल की पहचान कर सकते हैं। यदि आपके पौधे के अंदर उभयलिंगी पुष्प अधिक आएंगे तो फल लगने के चांस अधिक होंगे। इन फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए जनवरी लास्ट और फरवरी के फर्स्ट के अंदर पौधे को सीबेड एक्सट्रैक्ट व वर्मी कंपोस्ट अवश्य दें। पौधे में फूल आते समय किसी भी प्रकार के रसायन का छिड़काव न करें, क्योंकि इसके अंदर परागण कीटों के द्वारा होता है। रसायन के कारण कीट फूलों पर नहीं बैठ पाते हैं, जिससे परागण नहीं हो पाएगा तथा परागण नहीं हो पाने के कारण फूल झड़ जाएंगे। घरों में लगाए या शहरों में लगाए गए प्लांट में फूल झड़ने की समस्या अधिक आती है, क्योंकि वहां पर मधुमक्खी, तितली या अन्य कीट नहीं होने के कारण परागण नहीं हो पाता है। तो आप परागण कृत्रिम रूप से करा सकते हैं। इसके लिए आप नरम ब्रश की सहायता से नर पुष्प के अंदर घुमाकर मादा फूल के ऊपर ले जाकर आकड़ों को उस फूल पर डाल दे। अनार के पौधे के अंदर फूलों के झड़ने के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे यदि आपका प्लांट छाया के अंदर है, या फूल आते समय अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आप दे देते हैं, या अनार की कटाई छंटाई नहीं की गई है। तो आप ध्यान रखें कि पौधे को नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कम व फॉस्फोरस युक्त उर्वरक अधिक दे। जनवरी से फरवरी में इसकी कटाई छटाई अवश्य करें। 3 साल तक लगातार इसकी कटाई छटाई अवश्य सही ढंग से करते रहें, जिससे नई शाखाएं अधिक निकलेगी, जिससे फूल व फल अधिक लगेंगे। तो इस तरह आप अपने प्लांट पर फूलों को झड़ने से रोक सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल एग्रोजेटिस मेराम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा पास वाली घंटे को जरूर दबाएं। धन्यवाद।